जय हिंद। देखिए आईटीआई परीक्षा रिजल्ट 2021 जो है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले और बैक ईयर वाले का जो रिजल्ट है वो बेसिकली यहाँ पे जो है डीजीटी की ओर से जारी कर दिया गया। कैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड हर एक न्यूज़ आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कैसे आपको जो है आईटीआई परीक्षा का रिजल्ट जो है वो देखना है, चेक करना है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है, देख सकते हैं एनसीवीटी, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये डीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। इस वाले सेक्शन पे ncbtmis.gov.in इस वाले सेक्शन पे आपको जो है वो सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास जो है ncbt का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनशिप, ये जो है ये डीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। यहीं पर जो है आप लोगों का वो आईटीआई का फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये आप लोगों का जो है आईटीआई का डीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यहीं पे आपको जो है अपडेट देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक कैंडिडेट का जिन्होंने आईटीआई का रिजल्ट यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम दिया था, उनका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे उनका एडमिट कार्ड है। जैसे कि देख सकते हैं हॉल टिकट जनरेटेड बाय ncbtmis पोर्टल का है और यहाँ पे जो है उनका कॉलेज नाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो है ट्रेनी एडमिटेड इन अगस्त 2019 का यहाँ पे एनुअल जो है इनका जो है यहाँ पे एग्ज़ाम था। और रोल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले सेक्शन पे, और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे ट्रेड कोड देख सकते हैं, और यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है फादर्स नेम, और यहाँ पे जो उनका ट्रेड दिया हुआ है वो यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका सब्जेक्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। और यहाँ पर इनका जो सबसे जो मेन वो जो एग्ज़ाम था वो देख सकते हैं 27/3/2021 को था, यहाँ पे 27 मार्च को इनका जो है एग्ज़ाम फाइनली हो चुका है। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं और सेंटर कोड यहाँ पे दिया हुआ, इस सेंटर पे इनका एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ये दिया हुआ है। तो इनका जो है बेसिकली यहाँ पे हम रोल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है इनका हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे दिखाई देगा कि इनका रोल जो है वो रिजल्ट जारी हुआ है या अभी नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका रोल नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनका जो है हम डाल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूं और इनका जो है वो रोल नंबर डाल के चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं यहां पे दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेशन पे मैं आ चुका हूं। आपको यहां पे ट्रेनी वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इस वाले सेक्शन में फिल करना है। उसके बाद सेमेस्टर यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। एग्जाम सिस्टम यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर और एनुअल दिया गया है, तो आपका जो भी हो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं ये फिल करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ईयर्स मैंने डाल दिया है। उसके बाद एग्ज़ाम सिस्टम एनुअल है, मैंने यहाँ पे इसे फिल कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास एक नया पेज ओपन होके देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है नो रिकॉर्ड फंड। तो यहाँ पे बेसिकली जो है अभी यहाँ पे आप लोगों का जो है वो
रिजल्ट्स जारी नहीं किया गया। जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट जो जारी करने का जो डेट रखा गया था वो 30 अप्रैल ही रखा गया था, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है वो डीजीटी की ओर से आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो एक ही कारण है, वो कारण जो है वो कोरोना वायरस के कारण जो है आप लोगों का यहाँ पे जो है वो डीजीटी की ओर से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। वो आप लोगों का बहुत जल्द ही जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अब पूरी जो है हो चुका है, बस डीजीटी की ओर से जारी करने का जो है वो डेट अभी नहीं बताया गया, बस अब जो है वो आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहें, यहाँ से आप चेक करते रहें, जब भी आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इसी वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट है डीजीटी का, यहाँ से आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है वो बेसिकली यहाँ पर नहीं जारी किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।